रोजाना एक हज और एक उमरा का सवाब हासिल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने फजर की नमाज बाजमात अदा की, फिर सूरज तुलू होने तक वहीं बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा, फिर सूरज तुलू होने के बाद तकरीबन 15 मिनट बाद, यानी ये वजाहत है, हदीस का हिस्सा नहीं, हदीस क्या है, वहीं बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा, फिर दो रकत नमाज अदा की, यानी इशराक, उसे पूरे एक हज और एक उमरे का सवाब मिलेगा। इशराक का लफ्ज शुरूक से है, यानी सूरज के तुलू होने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती। फजर की नमाज तो सूरज तुलू होने से पहले पढ़ी जाती है, वो उसकी हद है, यानी सूरज का तुलू होना जो है वो उसके इख्तिताम का ऐलान है। लेकिन जब सूरज तुलू हो जाए और तकरीबन 15 मिनट गुजर जाए, तो उसके बाद दो रकत पढ़ना इशराक कहलाता है। ये बात आपने तीन बार इरशाद फरमाई, तिर्मिजी की रिवायत है ये। तीन बार क्यों इरशाद फरमाई? ताकि लोगों को यकीन आ जाए। बज़ाहिर देखने में छोटा अमल लगता है, लेकिन है मुश्किल, और ऐसी चीजें जो इंसान को कबूल करने में जरा दिक्कत होती है, तो वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात को बार बार दोहराते थे। औरतें भी ये सवाब हासिल कर सकती हैं, अपने घर में ही नमाज फजर के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह का जिक्र, कुरान मजीद की तिलावत और तस्बीहात करती रहे, और फिर सूरज तुलू होने के तकरीबन 15 मिनट बाद दो रकत नमाज इशराक अदा कर लें। यानी उस वक्त आप जिक्र भी कर सकते हैं और उसके बाद खड़े होकर दो रकत पढ़ लें, तो ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन अजर सवाब के एतबार से ये दो रकतें बहुत मुफीद है। एक और जगह पर इसके बारे में आता है कि ये दिन भर के कामों के लिए काफी हो जाती है, यानी इससे वक्त में भी बरकत होती है। बाज़ुकत हम वक्त बचाने के लिए दो रकत छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सा वक्त दूसरी तरफ से बच जाता है अगर हमारे वक्त में बरकत हो जाए।